मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। ये बर्ड अपनी जान पर खेलकर इस कैट को अटैक कर रहा है ताकि वो अपने परिवार को बचा सके जो उस घोंसले में उस पेड़ पर बसे हुए है। वो मासूम पंछी तो उसके जाल में फंस गया क्योंकि वो कैट तो वही चाहती थी। आप जो देख रहे हैं वो सच भी है और झूठ भी। यही मेरी रिपोर्ट थी सर। अरे बाप रे, घोंसला! सही कहा, उसने शायद इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर घोंसला था। बार बताऊं, मैंने उसे इस तरह नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है नंबर 444 लकी है, उसे सारे जवाब मिल गए, उसके लिए सब आसान है। मैंने कहा ना, मैंने उसे इस तरह नहीं देखा। मुझे माफ करना, मेरा टेस्ट आईडी नंबर 444 है। मैं शुरू करती हूँ। दिन के बीच एक एरिया में एक पंछी उड़कर आता है और आकर बिल्ली पर अटैक करता है। बिल्ली जिस पर अटैक हुआ है वो डरकर वहीं बैठ जाती है। काफी अटैक होने के बाद बिल्ली एक झटके में कूदकर उस पंछी को झटके से पकड़ लेती है। इसे क्या हो गया? इसे तो सारे जवाब मिल गए थे। मैं नहीं जानता। तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? क्योंकि मुझे लगता है मैंने कोई गड़बड़ की है टेस्ट में। तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर 211 का रिपोर्ट मुझसे अच्छा था। तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने कोई गड़बड़ की है? मैं करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और तुम झूठ क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि वो रिपोर्टर है। मुझे लगता है कि एक रिपोर्टर को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि नंबर 212 की रिपोर्ट झूठी है? हाँ, वीडियो से पता नहीं चलता कि बिल्ली शांत है या शातिर। मूर्ख वही भाग कर जाते हैं जहाँ कोई भी जाने से डरता है। और जब तक पक्का नहीं हो जाता कि पास में कोई घोंसला है, तब तक हम कह नहीं सकते कि उसका हमला करना जायज था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका रिपोर्ट काफी ठोस और व्यवहारिक है, जो कि मुझे पसंद आया। पर एक रिपोर्टर की तरह मैं ये सोचती हूँ कि हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो पक्का ना हो। अगर रिपोर्ट सही नहीं मिली तो ब्रॉडकास्टिंग में प्रॉब्लम होगी या नहीं? क्या? हाँ ठीक है, अगला नंबर 467। मैं ये रिपोर्ट नहीं दूंगा सर। जैसे नंबर 444 ने कहा, मुझे नहीं लगता हमें ऐसे ही अजम्पशन कर सकते हैं या निष्कर्ष कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो से। अगर रिपोर्ट की कोई कीमत नहीं तो वो रिपोर्ट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें सच दिखाना चाहिए, ना कि झूठी कहानियां दिखानी चाहिए। ये क्या बेवकूफी है? मुझे नहीं लगता, मैंने उसे पता है आप उस तरह से नहीं देखते। तुम ही जरा उसे देखो, सारे मूर्खों में एक लग रहा है वो। अच्छा, हमें सिर्फ डबल अमाउंट ही लेना है ना? क्यों? हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक ब्लॉन्ड टेस्ट है। मुझे नहीं लगता वो क्वालिफिकेशन की वजह से ऐसा कर रहा है। जैसे कि मेजर डिपार्टमेंट कहते हैं, हमारे फाइनलिस्ट में से एक टैक्सी ड्राइवर है। मैंने भी ये सुना है, यहाँ कोई सेलिब्रिटी फैन है और सेकंड जनरेशन कॉन्ग्लोमरेट। सेलिब्रिटी फैन? जैसे वो बच्चों के सेलिब्रिटी होते हैं? सच में? क्या सच में? मुझे नहीं पता क्योंकि एक ब्लाइंड टेस्ट है। अच्छा, तो ये बात है ना? तो ये ब्लाइंड टेस्ट उसने कैसे किया? ये कौन है? क्या हम उन तीनों से छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, यहाँ भी एक है। ऐसे दाग जाग रिपोर्टिंग के टाइम करे तो न्यूज चैनल को फायदा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो एक मेहनती रिपोर्टर है।